ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم آية الله سيد إبراهيم رئيسي خادم الرضا عليه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8 رئیس جمهور ایران اسلامی شد. در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. بابا الان داغستلار 30 درید چه؟ कल यानी 19 मई को ये खबर दोपहर के वक्त आई थी भारत के वक्त के मुताबिक, और उस खबर के बाद से पूरी दुनिया में एक बेचैनी थी। खबर थी ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की। कई घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिस जगह पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वहाँ का मौसम बहुत ख़राब था, घना कोहरा और ठंड बहुत थी। रात के अंधेरे में आसानी के साथ वहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पा रही थी। देर रात तक ये काम जारी रहा। खबर बहुत बड़ी थी और दुनिया में इसके बाद जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर और मीडिया में आना शुरू हुई तो एक पैनिक की स्थिति हो गई थी। जानना चाह रहे थे लोग कि आखिर हुआ क्या है। आज ईरान की सरकार की तरफ से ये बता दिया गया, ऐलान कर दिया गया ऑफिशियली कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ 9 दूसरे लोगों की मौत के साथ से में हो चुकी है। बता दें कि कल 19 तारीख को इब्राहिम रईसी एक कार्यक्रम में अजरबैजान पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट था उसका इनॉग्रेशन किया था, कोई डैम बन रहा था, और अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं अलहम वो भी मौजूद रहे थे। दोनों मुल्कों के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे सरकारी लेवल पर। इस कार्यक्रम के बाद इब्राहिम रईसी वापस ईरान के लिए चले और यहाँ पर उन्होंने एक और कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर वो तेहरान के लिए वापस आ रहे थे और तबरेज के करीब उनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने की फिर ये खबरें हासिल होना शुरू हुई। जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया पर आईं तो लोगों में बेचैनी थी, ईरान के अंदर पैनिक की स्थिति थी। तमाम लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए और वो इबादत गाहों में, मस्जिदों में, इमामबाड़ों में पहुंचे और वहां पर अपने प्रेसिडेंट और जो लोग थे उनके सलामती के लिए दुआएं करने लगे। दुनिया भर से मैसेजेस पहुंचने लगे ईरान की हुकूमत के पास। उधर सरकार के लेवल पर जो तलाशी अभियान था वो शुरू कर दिया गया था। इस तलाशी अभियान में तुर्की की तरफ से भी मदद की गई और तुर्की ने अपने नाइट विज़न जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भेजा। रात में ये पूरी रात तलाशी का कार्यक्रम चलता रहा। उधर इबादत गाहों में लोग इबादत करते रहे और वो घरों में नहीं गए, सड़कों पर ही। सोशल मीडिया में इस तरह की खबर कल शाम के वक्त आ चुकी थी। इसराइली मीडिया की तरफ से खबर ब्रेक की गई थी कि इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनका एसेसिनेशन किया गया है और इसके पीछे मोसाद इन्वॉल्व है, इसराइल के मीडिया की खबर थी। तो चूंकि वो जिस ट्विटर अकाउंट से, एक्स के अकाउंट से ब्रेक की गई थी वो बहुत ऑथेंटिक है, हम उसकी खबरें आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। सुलेमान ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
मिडिल ईस्ट और एशिया की खबरों पर बहुत नज़र रहती है इनकी। सुलेमान के एक्स अकाउंट से ये खबर रखी गई थी, उस पर हमने फिर खबर बाद में और सबसे पहले कहेंगे उसको भारत के अंदर ब्रेक की इंग्लिश और हिंदी में कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है और यह एसोसिनेशन अटेम्प्ट था, क्योंकि इसराइली मीडिया ने एसोसिनेशन शब्द का इस्तेमाल किया था तो हमने भी उसको उसी तरह से लिया। अब चूँकि ये खबर पूरी तरह तस्दीक कर दी गई है ईरान की सरकार की तरफ से ऑफिशियली, तो हम बता दें कि अज़रबैजान से इब्राहिम रईसी वापस आ रहे थे तेहरान के लिए, दोनों के दरमियान 600 किलोमीटर की दूरी है और ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। इसमें 9 बड़े ईरान की हुकूमत के ऑफिसर्स मौजूद थे, उनकी भी मौत हो गई है। हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब वहाँ पर गम का माहौल है। इमाम रजा के जो गुंबद है उस पर फ्लैग काला झंडा वो फहराया गया है। भारत की सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है और आधा भारत का फ्लैग इस दौरान झुका रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी तरफ से कंडोलेंस जाहिर किए। हेलीकॉप्टर हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। यह एक बहुत बड़ी घटना है जो दुनिया को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से फलस्तीन और इसराइल के बीच जंग चल रही है। ये जंग को 8वां महीना हो चुका है। वो जंग को मैदान में हमास, हूती और हिजबुल्ला लड़ रहे हैं, लेकिन वो मैदान में लड़ रहे हैं, असल लड़ाई ईरान वहाँ पर लड़ रहा है। और जो शिकस्त इसराइल को हुई है वह एक हिस्टोरिकल है, तारीखी नौयत की और हैसियत की वो शिकस्त है। जिस इसराइल को लेकर के बातें होती थी दुनिया भर में और दुनिया भर के मीडिया में कि वो शिकस्त नहीं हो सकती है, उसकी कोई हरा नहीं सकता है, कोई उसका कुछ कर नहीं सकता है, उसके बारे में जानकारियाँ हासिल नहीं कर सकता है, और उसकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती थी। हम भारत के मीडिया में भी ये खबरें देखते थे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया तो तमाम चीज़ें फिर उससे पर्दे उठे और मालूम हुआ कि इसराइल जो इतना ताकतवर बताया जाता है दरअसल वो उतना ताकतवर है नहीं। इसराइल ने जवाब में जवाबी कार्रवाइयाँ की और उसमें फलस्तीन के जो आम अवाम हैं उनकी बहुत सारी शहादतें हुई, 40,000 से ज़्यादा शहादतें हुई, लाखों लोग बेघर हो गए, गाज़ा पट्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन चूंकि ईरान पीछे खड़ा हुआ है इसलिए हमास और हिजबुल्ला और हूती सब मिलकर के इसराइल को घेरे हुए हैं। ईरान के साथ भी इसराइल ने हरकत की थी, दमिश्क में उसके एम्बेसी पर हमला किया था जिसमें 5 लोग ईरान के शहीद हुए थे, वो भी टॉप ऑफिशियल थे, जिसके बाद ईरान ने सीधे सीधे पहली बार इसराइल के ऊपर हमले किए थे। 331 मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए थे और ड्रोन हमले किए थे। इसराइल के ऊपर होने वाला ये पहला हमला था किसी मुल्क की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही वो वजूद में आया था, अरब से जंग के बाद। ईरान एशिया में, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया भर के सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं, अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और दूसरे जो संस्थाएं हैं ताकतवर उन लोगों ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन ईरान के साथ जो ताकत है वो रूस और चीन की है जो उसके साथ खड़े रहते हैं। वो अपने इन दो साथियों के मदद से ईरान एक ग्लोबल पावर बन के सामने आया है, उसकी जो ताकत है
और ड्रोन आर्मी है, IRGC है, कई सारे फील्ड में ईरान ने ना काबिले तसव्वुर तरक्की किए। अब ये जो हादसा हुआ है उसमें कॉन्स्पिरेसी कितनी है, हकीकत कितनी है, ये तमाम चीज़ें आगे चल के जब तहकीकात होंगी तो उसमें सामने आएगा। लेकिन मोटा मोटा अभी तक जो जानकारियाँ हैं और जिस तरह से हमने बताया कि इसराइल के मीडिया की तरफ से खबर ब्रेक की गई थी कि ये एसोसिनेशन हुआ है, तो अभी हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूँकि खबर थी तो हमने आपको बताई। आगे चल के जब जाँचें होंगी तब पता चलेगा। अगर उसमें इसराइल का हाथ सामने आता है इस घटना में, तो फिर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। हिजबुल्ला की तरफ से हसन नसरुल्ला के बेटे ने बहुत सख्त चेतावनी दी है इसराइल को और कहा है कि अगर इसराइल का हाथ इब्राहिम रईसी के मौत के पीछे साबित हुआ तो इसराइल को इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यमन के हूती वो बहुत बड़ी पावर हैं और वो मुस्तकिल हमास की लड़ाई, हमास के साथ मिलकर के फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब ईरान के दम पर खड़े हुए हैं। अब जो घटना वहाँ हो चुकी है उसके बाद ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को एक कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। आयतुल्ला अली खमेनेई ने उनको कार्यभार सौंप दिया है। चूँकि सरकार तो चलती है, मुल्क चलते रहते हैं, ऐसे में ईरान के अंदर जो अबो गुस्सा है वो लोगों के अंदर रहेगा, ईरान के अंदर हुकूमत के अंदर भी रहेगा, लेकिन हुकूमत भी चलानी है। तो जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई, उन्होंने फिलहाल अब उनका जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आर्टिकल 131 के मुताबिक मुखबर जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति का काम सौंप दिया। 50 दिन के अंदर राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी करने के लिए उन्होंने काम करने के लिए हिदायत दे दी है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो लोग शहीद हुए हैं उसमें इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे गाजा जंग के दौरान। दुनिया भर में जहाँ कहीं टॉक्स हो रहे थे वहाँ पर आप देख सकते हैं हुसैन अमीर को, वो हर जगह मौजूद होते थे, कभी चाइना के अंदर, कभी रूस के अंदर, कभी यूरोप के मुल्कों में, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, उनकी मुलाकातें हो रही थी, कभी वो तुर्की में हमास के लोगों से मिलते थे और कभी जॉर्डन में उनकी मुलाकातें हमास के लोगों से होती थी। तो ये एक सीन जो बन के सामने, नया सीन सामने आया, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ईरान में 5 दिन का शोक यहाँ पर किया गया है और तमाम जो सरकारी टेलीविज़न पर कार्यक्रम होते हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कंडोलेंस का मैसेज पहुँचा है, इमरान खान की तरफ से स्पेशली मैसेज कन्वे किया गया है। रूस, चीन, भारत, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक मिनट का आज जब कार्रवाई हो रही थी तो वहाँ पर उनकी उसके कंडोलेंस के लिए एक मिनट का इंटरवल लिया गया और मौन रखा गया। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती हैं। अमेरिका के अंदर 2-2 राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है, भारत के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या होती है, उसमें बड़े ख़तरनाक लोगों के इन्वॉल्वमेंट सामने आते हैं जब चीज़ें जानकारी में आती हैं आगे चल के। जो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें वगैरह ली गई हैं वो सब प्रिजर्व करके रख ली गई हैं।
चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको चलाने में थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कोई लापरवाही किसी लेवल पर हुई हो। यहाँ हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि खुदा को जो मंजूर होता है उसको दुनिया में कोई टाल नहीं सकता। ऐसा होना था लेकिन ये जो हुआ है वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ईरान ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ किसी भी तरह के मामलात हों वो बहुत ही ईमानदारी के साथ मुस्लिम इंटरेस्ट के साथ खड़ा रहता है, और चीन और रूस की मदद से जो डेवलपमेंट्स लास्ट ईयर 2023 के शुरू में हुए थे, जब चीन ने सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों को साथ बैठा करके आपस में तमाम इश्यूज पर सुलह करा दी थी, उसके बाद जो एक माहौल बना है मुस्लिम वर्ल्ड में, हर तरह के जो डिस्टर्बेंसेस थे वो सब ख़त्म हुए, सबके अंदर सुलह हुई। यमन के अंदर जो जंग चल रही थी वो ख़त्म हुई, सीरिया के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सब समेटी गई, तुर्की और सीरिया जो बहुत दूर दूर थे वो करीब आए, ईरान के ताल्लुकात जॉर्डन के साथ इजिप्ट के साथ ख़ास तौर से बहुत ख़राब थे। 42 साल के बाद चीन की मदद से ये जब एग्रीमेंट्स हुए सऊदी अरब के साथ तो हर लेवल पर ये तय हुआ था कि सारे डिस्टर्बेंसेस ख़त्म होंगे, हर इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो 42 साल के बाद देखने को मिला कि ईरान और इजिप्ट के दरमियान नज़दीकियाँ हुई और दोनों मुल्कों में एक दूसरे के हाई कमीशन वहाँ पर शुरू हुए। इसी तरह से सीरिया के साथ सऊदी अरब के रिश्ते बड़े ख़राब थे, यूएई के रिश्ते बहुत ख़राब थे, लेकिन वो सारे के सारे रिश्ते बहुत बेहतर हुए, और सीरिया के प्रेसिडेंट पहली मरतबा पिछले साल यूएई पहुँचे थे, रेड कारपेट वेलकम उनको दिया गया था। उसके बाद फिर वो सऊदी अरब पहुँचे, जिन मुल्कों में जंगें चल रही थी 8-10 साल से वो तमाम जंगें चीन की मदद से ख़त्म हुई, रूस की मदद से ख़त्म हुई, और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ में जो अरब जगत है वो सब एक साथ में जमा हुआ। अमेरिका और जो यूरोप की ताकतें हैं ख़ास तौर से यूरोप में यूके ब्रिटेन, ये ऐसा मुल्क है जो दुनिया में जहाँ कहीं भी आपको आतंकवाद देखने को मिलता है, जहाँ कहीं जंगें देखने को मिलती हैं और जो कम्युनल वायलेंस देखने को मिलती है उसकी रूपरेखा तैयार होती है ब्रिटेन के अंदर। जितने बड़े षड्यंत्र दुनिया भर में रचे जाते हैं, इमरान खान के को हुकूमत से हटाने का काम था वो ब्रिटेन ने उसको अंजाम दिया, सारी प्लानिंग ब्रिटेन के अंदर हुई और बाद में इम्प्लीमेंट करने के लिए अमेरिका और दूसरे मुल्क उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ब्रिटेन वगैरह में जब ये अरब के मुल्कों में अमन कायम हो गया था उस वक्त से बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह से ईरान को हम एक जंग में घसीट लें। ईरान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बड़ी काबिलियत के साथ वो उनके मसले मसाइल में या उनके हरबों में जो ट्रैप ये बार बार बिछा रहे थे नहीं फंसा। इसके पीछे जो दिमाग था वो इब्राहिम रईसी का था, बेसिकली इब्राहिम रईसी ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, जुडिशरी से आते थे और हजरत आयतुल्ला खुमैनी के ये पुराने साथी थे। जुडिशरी से होने की वजह से वो इंसाफ के साथ काम लिया करते थे, मजाज से सख्त थे जैसा बताया जाता है, लेकिन वो नाइंसाफ़ी नहीं किया करते थे और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी के साथ रीड करना उसके बाद फैसले लेना। तो जो ट्रैप यूरोप की तरफ से अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए बिछाया जाता था ईरान को उसमें कभी भी इब्राहिम रईसी ने नहीं फंसने दिया। अब इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी और बाकी 8 और लोग बड़े बड़े लोग थे ये ईरान की हुकूमत के, उनकी शहादतें हुई हैं, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मगफरत करे, पूरी दुनिया में उनके लिए दुआएं हो रही हैं, आप लोग भी दुआ करें। ऐसे लोगों के न रहने से दुनिया को में असर पड़ता है, मौत तो हर एक को आती है, हर एक को मरना ही है, लेकिन कुछ
शख्सियत ऐसी होती हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे कम्युनिटी को, मुल्कों को और बहुत बड़े दुनिया को। तो उसमें से इब्राहिम रईसी और जो उनके साथी थे वो लोग थे। कुछ वीडियोज़ हम इसके साथ अपनी रिपोर्ट के साथ दिखाएंगे, आप देखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Well, we're really saddened by the unexpected, terrible death of President Raisi and the foreign minister. We have passed our condolences to the supreme leader of Iran and to the people of Iran. This is really a blow to them because he was a highly respected leader in Iran, and we got to meet him when I was deputy president on my visit to Iran, and we had really good discussions, and that laid a very good basis and foundation for the good relations between South Africa and Iran. And he also came to South Africa during the BRICS summit, and we were able to exchange a number of really good issues. And so it is a sad moment for the people of Iran and for us. The relations between South Africa and Iran are good relations, and we wanted to improve them. And he had wanted to come for a state visit to South Africa, which we were supposed to set a date for. So it is a sad loss. And I do hope that the people of Iran are able to go through this with great strength and are able to choose another leader who will lead Iran going forward.